लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फॉक्सटेल के एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू। एंड दिस इज द फॉक्सटेल सेरेमाइड सुपर क्रीम मॉइस्चराइजर, एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। सो इस वीडियो में हम टोटली इसकी पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी स्किन टाइप के लिए है, डिटेल में बात करेंगे। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो। मैंने खुद से बाय किया है और खुद से ही अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो किसी भी तरह का कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है, ये भी रहेगा अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी। सो पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो ये मिलता है कुछ आपको इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में। दिस इज फॉक्सटेल सेरेमाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। सो इसके अंदर तीन तरह के प्लांट बेस्ड सेरेमाइड्स है। सो सेरेमाइड्स बेसिकली आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करने का काम करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प, सॉफ्ट एंड सफल बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है सोडियम हाइलोनरेट क्रॉस पॉलीमर। सो बेसिकली ये आपके डीप लेयर तक जाके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। सो अगर आपकी स्किन डीपली अच्छे से हाइड्रेट रहेगी तो जो एक ग्लो है वो आपको काफी अच्छे से बाहर नजर आएगा। सो यस, नॉर्मल जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वैसे इसको यूज करना है। ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करके चलता है। वीगन प्रोडक्ट है, क्रूडली फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे आप पूरे देख सकते हो। यस, इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी है बट काफी ज्यादा नीचे है। बाकी इसके अंदर ग्रीसलीन है, ह्यूमेक्टेंट्स है, सेरेमाइड्स है, प्लांट बेस्ड सेरेमाइड्स है। तो ये मिलता है कुछ आपको इस तरह की लाइट पर्पल कलर की पैकेजिंग में। एंड ये क्लेम करता है कि आपको 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखेगा। एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी, काफी ज्यादा जेल क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी है और स्किन के अंदर भी जाने में बहुत टाइम नहीं लगी, बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर भी। और लुक एट दिस, मतलब कितना अच्छे से ये ग्लो प्रोवाइड करती है। सो आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये 24 आवर्स तक हाइड्रेट रखेगा। यस, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको 3 से 4 घंटे अच्छे से हाइड्रेट रखता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको फील होगा कि स्किन काफी ज्यादा ड्राई लग रही है फिर से। बट और ऑयली स्किन वालों की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको नाइट टाइम में एज ए नाइट क्रीम यूज करोगे तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि नाइट में अगर थोड़ा सा ऑयली या ग्रीजी लगता भी है फेस तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर समर्स में आप इसको मॉर्निंग में लगाओगे ना तो ये आप देखो, मतलब इस तरह से आपका फेस ग्लो तो कर रहा है, काफी अच्छे से इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स डाले हैं जो बेसिकली आपकी स्किन को नरिश करते हैं। बट थोड़ा सा आपको चिपचिपापन या ग्रीजीनेस लग सकता है फेस पे। सो मुझे, मतलब जो मेरी स्किन का टाइप है काफी ज्यादा ऑयली है, तो समर्स में मुझे नहीं लगा कि मैं इसको डे टाइम में लगा पाऊंगी, क्योंकि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा बहुत ऑयली लग रहा है। बट विंटर्स में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा काम करेगा। सो एज अ नाइट क्रीम मैं इसको यूज करने वाली हूँ, क्योंकि दिन में तो यार मुझे थोड़ा सा मतलब चिपचिपापन या हैवीनेस लग रही है अपने फेस पे। सो अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो फॉर श्योर आपके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि सेरेमाइड्स अच्छे डाले हैं, प्लांट बेस्ड सेरेमाइड्स है। एंड इसके अंदर जो ये सोडियम हाइलोनरेट है वो भी बहुत अच्छा काम करेगा स्किन पे। सो प्रोडक्ट काफी अच्छा है बट पैकेजिंग काफी ज्यादा चीप है। लुक एट दिस, मतलब ऐसे ना ये पीछे जितना भी लिखा था ना वो तो मेरे हाथ से ही क्लियर हो गया जब मैं इसको यूज कर रही थी ना। देखो आप बॉटल पूरी, यहाँ पे फॉक्सटेल जो लिखा हुआ था ना ये भी बहुत ज्यादा, बहुत चीप पैकेजिंग है। मतलब यार आज के इतने कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में यार कौन अपने, मतलब ब्रांड नाम ही साफ हो रहा है आपका। तो ये मैंने अगर वैनिटी पे पड़ी रहेगी तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये फॉक्सटेल ब्रांड का है। सो पैकेजिंग वगैरह मुझे इतनी ज्यादा फॉक्सटेल वालों की अच्छी नहीं लगी, काफी चीप पैकेजिंग है। तो प्लास्टिक काफी अच्छा यूज किया है बट पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखो फॉक्सटेल तो मेरे हाथ से ही साफ हो गया, कहीं भी ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है कि दिस इज फ्रॉम ब्रांड फॉक्सटेल। सो यस गाइस, प्रोडक्ट भी मुझे ओके लगा। इस रेंज में आपको और भी अच्छे सेरेमाइड्स वाले मॉइस्चराइजर मिल जाएंगे मार्केट में। सो मुझे नहीं लगा कि मैं इसको फिर से रीपर्चेस करूंगी। यस, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है, एक क्रीमी मॉइस्चराइजर आप ढूंढ रहे हो जिसके अंदर सेरेमाइड्स है, तो फिर आप एक बार ट्राई कर सकते हो। एज सच ये रिएक्ट नहीं करेगा, अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। बात करें कि आपके पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, इन सबको कम करेगा, तो उसके लिए आप प्लीज इसको बाय मत कीजिएगा। जस्ट नॉर्मली आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, दैट्स इट। सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इन केस अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।